हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। दिस इज़ मोहम्मद बिलाल क्यूटो हेयर और मैं हॉस्पिटल के कैंटीन में मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे सख्ती हो गई है। यहाँ पे किसी को मास्क उतारने नहीं दिए जा रहा। द किडनी सेंटर नाम है, अम्मी एडमिट होती हैं। बेसिकली मेरा व्लॉग इससे पहले कर चुका हूँ। मुझे अजीब लगता है कि यार मैं पेशेंट के पास जाऊँ उनकी राय लूँ, क्योंकि मेरी खुद एक पेशेंट है और मैं खुद एक शुगर मरीज हूँ। तो खैर अब तो कंट्रोल हो चुकी है, आप सबकी दुआएं हैं तो इंशाल्लाह मेरी अम्मी भी ठीक हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम है हॉस्पिटल कैंटीन के अंदर और बेसिकली मेरी अम्मी के जो दोनों जो किडनी है वो फेल हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनको 20-25 साल से शुगर है और वो अब इंसुलिन लगाती हैं। तो यार ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा हॉस्पिटल के नाम से, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यार बेसिकली आई एम नॉट अ सोशल मीडिया यूट्यूबर या मैं ये नहीं हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो करें, ठीक है। और बिलाल अंडर स्टूड क्यूटो के नाम से हर जगह आपको आईडी मिल जाएगी। मुझे टिकटॉक भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बिलाल अंडर स्टूड क्यूटो फोर। इंस्टाग्राम पे है बिलाल अंडर स्टूड क्यूटो और ये बिलाल क्यूटो का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे लोगों को बड़ी परेशानी है और ऊपर हॉस्पिटलिटी के ना और ऊपर मतलब के कैमरा अलाउ नहीं होगा, और ऐसी वजह मुझे भी ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि बाद जब मैं यहाँ एक्चुअल जो किडनी होती है वहाँ मैं जाता हूँ तो मेरी मम्मी को कम दिखता है ना वैसे। तो होप्स हो कि ऑपरेशन की भी बात हो रही है और एक दो केसेस हैं जो कि अनसक्सेसफुल रहे हैं, नाकाम रहे हैं इन आईज के हवाले से, क्योंकि वो डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि भाई अगर आँख ज़ाया हो गई तो हम ज़िम्मेदार नहीं है। फिर तो वो टेंशन है, ऊपर से मीडिया में काम इतना कोई ख़ास मिल नहीं रहा मुझे या बाकी सबको नहीं मिल रहा तो बाकी सब परेशान होंगे। तो वो एक चीज़ आपसे शेयर करने कर रहा हूँ और आपसे दुआ मांगी कि पाकिस्तान बेहतरीन हो, मेरा और आप सबका रोज़गार कहीं ना कहीं लगा हुआ है, चाहे वो शैतानी काम है, चाहे वो एक इस्लाम के ख़िलाफ़ है या इस्लाम में मना है, लेकिन आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि अगर एक ऐसा काम भी, अगर एक आप हराम काम भी कर रहे हो जो कि आपको एक मतलब कि मीडिया वाले ज़्यादातर हर को आप समझते हो कि यार ये हराम काम कर रहे हैं, काफिर हैं, ये हैं, फलाना है, धमकाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अगर हम नाच गाना कर भी रहे हैं जो कि हराम है, कुफर है, शैतान की तरकीब देता है वो, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग कितनी एफर्ट मार रहे हैं, मतलब आप सब जानते हैं कि मैंने गेम शो में कितनी एफर्ट मार ली, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली मुझ जैसे बहुत सारे चैलेंज आर्टिस्ट हैं, वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, तो काम करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ लगाएं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला से दुआ लगाने के बाद इंसान कामयाब हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इस्लामी है, मैं सपोर्ट भी करता हूँ और मैं समझता हूँ अगर हम लोग शैतानी काम तो कर रहे हैं तो शैतानी काम भी हम लोग फुल पुरजोर से करें तो इंशाल्लाह दुनिया में कामयाबी होगी और आखिरत के लिए कामयाबी ये होगी कि हम जो हैं अल्लाह के बंदों को खुश करें। अल्लाह के बंदों को खुश कैसे कर सकते हैं, हकूकुल्लाह भी करें, हकूकुल्लाह भी करें, ठीक है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं तुझे जब भी खुश करूँगा जब तुम मेरे लोगों को खुश करेगा, ठीक है। तो आप लोग कोई ऐसा काम या कोई नेकी वाला काम या कोई बुरे वाला काम अफसोस के ना करो, ठीक है ना, लेकिन अगर कर रहे हो मजबूरी है, शौक यही है और काम यही है, ही आता है आप लोगों को, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि वो काम कम करें और आखिरत की भी फिक्र करें। सॉरी फॉर के शोर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, ऊपर आपको पता है कि ऊपर मुझे खुद ऑकवर्ड लगता है क्योंकि हॉस्पिटल ब्लॉग है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बातें ही होंगी, ठीक है। अगले ब्लॉग के अंदर अगर आप मेरी मम्मी को देखना चाहते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन करो, क्योंकि बिलाल अंडरस्कोर क्यूटो को आपको सपोर्ट करो और 4 मेरा लकी नंबर है तो बी लाइक द बॉस, तो बॉस को सपोर्ट करो। और जितने भी मीम बनाने वाले हैं या जो भी करते हैं वो ना करें, क्योंकि मैं खुद एक डिप्रेशन पेशेंट हो चुका हूँ, ठीक है ना,
और चलने मैं तो बर्दाश्त कर जाऊँगा, लेकिन अगर कोई अगर बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कोई ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया तो उसकी जिम्मेदारी से कोई सिर्फ पाकिस्तानी आवाम होगी। वैसे तो पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान की हम पंजाबाद है, पाकिस्तान की हम बहुत चला गए, लेकिन आप लोग गालियाँ ना बोलिए। कल मैं आपको फिर वो स्टोरी टाइम में बताऊँगा कि स्टोरी टाइम भी लगाऊँगा, ठीक है ना। मैं और ही मेरा ब्लॉग है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। और अम्मी अभी गई हुई तो दुआ करो कि अम्मी को दर्द कम हो, ठीक है ना। और जो आपका ऑपरेशन देखो अब उससे क्या बात होती है, अब वो करवाते नहीं करवाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम जो फैसला और डिसीजन है वो अब्बू और अम्मी का ही होगा। तो वो देखो कि क्या होता है, होप्स हो कि वो अच्छा फैसला लें और ऑपरेशन कामयाब हो, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत कम कम दिखता है। तो आप प्लीज़ अम्मी की कदर करें और मतलब कि आपकी जन्नत जिनकी जन्नत है, अम्मी को जन्नत बोल रहा हूँ और किसी को जन्नत नहीं बोल रहा, तो उनकी खिदमत करें। और मुझे भी मतलब एहसास हुआ जब ये मुझ पर सिचुएशन आई, इससे पहले मैं भी एक आम पर्सन होते हैं कि बेरुखा, और मैं बेरुखा तो नहीं, मतलब ये है कि मतलब ये कि अपनी लाइफ में जीना, आप अपनी लाइफ भी जी रहे हैं, मुझे बैठे रहने का शौक़ है। तो ये है कि मैं सबके साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं एक दुखी आत्मा हूँ शुरुआत से। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र ही करना चाहिए, चाहे जो भी काम करो, एक्टिंग करो, मॉडलिंग करो, एक्सपेरियंस कोई भी काम करो, कोई टेक्नोलॉजी में आप जाओ, तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ना, ये बड़ा ही अच्छा काम है। और अपने माँ बाप की खिदमत करो, दुआएँ हासिल करो, और जिन्हें माँ बाप नहीं हैं तो उनसे कुछ सीखो, जिनके माँ बाप हैं तो वो दुनिया में जन्नत कमा लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आप लोग सपोर्ट करो अपनी अम्मी, जो भी काम करो, हराम करो, बुराई करो, कुछ भी, लेकिन देखो किसी को आप लोग मजाक ना उड़ाओ, ठीक है ना। और नेकी भी दिखाओ ताकि इससे लोगों में जो है वो अवेयरनेस आए और लोग सीखें, एक अच्छी बात को सीखें ना। तो आई थिंक यही है, बाकी मीडिया के लिए यही है कि मैं वर्सटाइल हूँ। आप लोग दुआ करें कि चांस मुझे मीडिया में अच्छा मिल जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे अच्छा चांस मिल जाए और अच्छे पैसे वाला मिल जाए, ताकि फाइनेंशियल तौर पर हालात सही हो जाए और मुझे अपना घर करना है तो वो घर भी हो जाए। तो ये हॉस्पिटल व्लॉग है, ये हॉस्पिटल कैंटीन है, अंदर ये लोग सब। तो अभी तो कम लोग हैं, इसी वजह से मैं इतना बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ मैं नहीं बोलता, और मैं उसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरी वैल्यू और इज्जत ज़्यादा होती है। खैर मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाली है। खैर वही मैं स्टोरी में बताऊँगा, अभी तो ये बताने का फ़ायदा है नहीं ना। तो यही कि आप ब्लॉग को सपोर्ट करें, लाइक करें, और अम्मी से अगर आपको अगर मेरी ब्लॉग में अगर अम्मी आती हैं तो वो कैसा रहेगा। और जैसा कि वीडियोस तो मैंने अपलोड नहीं किया अम्मी के साथ यूट्यूब पे, लेकिन बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं तो अच्छा रिस्पांस आया है। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि मैं अपनी अम्मी को लाऊं ब्लॉग में, आप लोग सपोर्ट करोगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि यूट्यूब से भी कुछ अर्निंग हो सके। और बाकी मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया का ज़्यादा कि मैं सुपर स्टार बनूँ, जैसा कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है। और ज़रूरी है कि स्टार बनने के लिए आपको 20-25 साल स्ट्रगल करना पड़े, मैंने 6 साल स्ट्रगल किए। अभी मैं फेम के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए, काम के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग, पहले तो इंसान मीडिया में आने के लिए स्ट्रगल करता है, ठीक है, फिर अपना एक लोहा मनवा लेता है तो फिर उसको काम नहीं मिलता। तो आई थिंक ये 3-4 किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल हैं ना। और मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से जानता हूँ। और आखिर में एक शेयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये आखिरी है कि मैंने आपसे प्यार किया है, मलकियत का दावा नहीं। आप वो जिसके भी साथ हैं मैं उसको भी अपना मानता हूँ, चादर की इज्जत करता हूँ, पर्दे को मानता हूँ, लेकिन हर पर्दा पर्दा नहीं होता मेरी जान, इतना तो मैं भी जानता हूँ। अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो कमेंट में लाजमी पता है। और बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन बने, दूसरों का मजाक ना उड़ा, फिर मैं स्टोरी में बताऊँगा, ठीक है। ओके, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का ज़बान पर याद रखना, और मतलब पर याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।